मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाते हैं। वो तालाब के आगे फिश पकड़ रही होती है। उसके पापा उसे बोलते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं काम करके आता हूँ, नहीं तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। उसकी बेटी बोलती है, शैतान नहीं होता है। वो अपनी बेटी को डराने के लिए बोलता है, पानी में देखो। वो देखती है और वहाँ वो खुद उसे पानी में डराता है और उसे हंसाता है। लेकिन अचानक से वहाँ एक शैतान फिश आ जाती है और उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डोंगी प्रेस्ट दिखाते हैं जो कोई जादू करके एक फिश को मार देता है, और गांव वाले उसे शैतान को मारने वाला समझकर पैसे और मछलियाँ देते हैं। वहाँ एक और कैरेक्टर आता है जो बताता है, ये स्ट्रिंगरे फिश है, ये एक दम रहम दिल और नेक मछली है। वो बताता है, मेरा नाम चैन सुंग शेंग है, मैं एक बुद्धिस्ट पुजारी हूँ और मैं शैतान को पकड़ता हूँ। वो लोग उसे डोंगी बोलकर उसे रस्सी से लटका देते हैं। सारे लोग पानी में कूदते हैं। सोनजेंग देखता है वो शैतान फिश आ रही है, वो बोलता भी है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है। वो शैतान फिश हमला कर देती है, वो शैतान फिश एक बच्ची को खा लेती है। तब उसकी माँ नीचे पानी में उस फिश को मारने जाती है, फिश गुस्से में उसको भी मार देती है। सोनजेंग एक छोटे से बच्चे को फिश से बचाता है, वो फिश एक लकड़ी पे गिरती है, कुछ लोग सामने साइड जंप लगाते हैं, लास्ट में एक मोटी सी लड़की जंप लगाती है, फिश उछल के बाहर आ जाती है और वो शैतान से इंसान बन जाती है। वहाँ एक और शैतान को मारने वाली लड़की आती है जिसका नाम दुआन होता है, वो उस शैतान को एक पोटली में मार के बांध देती है। गांव वाले सभी उस लड़की को मसीहा बुलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सोनजेंग अपने मास्टर के पास जाता है और उसके मास्टर बोलते हैं, हमें शैतान के अंदर से बुराई को हटाकर अच्छाई को बाहर लाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का और लड़की दिखाते हैं जो कोई होटल में आए हुए होते हैं। वहाँ एक आदमी उनको खाने के लिए रोस्टेड पिक्स दिखाता है। वो लोग खाना खाते हैं और उनको खाना बहुत पसंद आता है। वो आदमी बोलता है, ये हमारे मालिक ने बनाया है। वो लड़की उनको कुछ बोलने को बोलती है पर होटल का मालिक एक शैतान होता है और वो उन दोनों को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, सोनजेंग उसी होटल में आता है और वहाँ अभी बहुत सारे लोग होते हैं पर उसे वहाँ लोग मरे हुए दिखते हैं। वो रोस्टेड पिग्स में उसको डेड बॉडीज दिखती है। वहाँ मिस तुआन आ जाती है और वो शैतान को मारने लगती है। वो शैतान एक बड़ा सा पिग बन जाता है। मिस तुआन सोनजेंग को बोलती है कि तुम उसको स्मूच करो, लेकिन वो स्मूच नहीं करता है। मिस तुआन उस शैतान को बैग में पैक कर देती है। सोनजेंग फिर से अपने मास्टर के पास जाता है। मास्टर बोलता है, वो शैतान का नाम केएल हॉक था, उसकी शक्ल बिल्कुल सुअर जैसी थी, दिल का अच्छा था, उसको उसकी बीवी ने और उसके प्रेमी ने खंजर से मार डाला था और वो तब से शैतान बन गया था। उसके मास्टर उसे मंकी किंग के पास शैतान को मारने का हुनर सीखने के लिए पहाड़ों में भेजता है। सोनजेंग पहाड़ों में जाने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में कुछ लोग उसे बंदी बना लेते हैं। वहाँ दुआन को भी बंदी बनाया होता है। जो लोगों ने उसे बंदी बनाया था उसमें से एक लड़की बोलती है, हम शैतान का शिकार करने वाले हैं, हम उन शिकारियों को भी मारेंगे जो शैतान का शिकार करते हैं। वो लड़की सोनजेंग से पूछती है, तुम क्या करते हो? तब तुआन बोलती है, और ये मेरे हस्बैंड है। उसमें से एक आदमी
बोलता है अगर ये तुम्हारी बीवी है तो उसे गले लगाओ। ये सारे लोग दुआन के साथ ही मिले हुए होते हैं। दरअसल दुआन सुनसेंग को पसंद करती है। अचानक से वो पीक वाला शैतान गाड़ी के सामने आ जाता है। वहाँ एक और कैरेक्टर आता है जो टाइगर बन के पीक वाले शैतान का सामना करता है। वहाँ एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम अलमाइटी फुट होता है, जिसका पैर छोटा होता है, और ये सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। सुनसेंग आगे बढ़ता है, वो फाइव फिंगर्स माउंटेन तक पहुँचता है। उसे तालाब में एक बुद्धा की प्रतिमा दिखती है। वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर एक गुफा होती है, वो उसके अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो अपने आप को मंकी किंग बताता है। वो बताता है कि बुद्धा ने 500 साल पहले उसे यहाँ पर कैद करके रखा था। सुनसेंग मंकी किंग से पूछता है कि वो पीग वाले शैतान पर कैसे काबू करे। मंकी किंग बताता है कि उसे यहाँ लेके आओ, उसको उसकी बीवी ने धोखा दिया था लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करता है। पूर्णिमा रात में उसे कोई लड़की दिखाओ, फिर वो शांत हो जाएगा। वहाँ अचानक से दुआन आ जाती है। दुआन उन लोगों को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर मंकी किंग उसे डांस करना सिखाता है। दुआन पहाड़ पे चढ़कर गाना गाती है, तभी वहाँ वो पीक वाला शैतान आ जाता है। पीक वाला शैतान गुफा के अंदर जागता है, तभी मंकी किंग उसे छोटा पीक बना देता है। दुआन वहाँ आकर उसे जादुई पोटली में कैद कर देती है। फिर दुआन वो फिश वाला शैतान और पीक वाले शैतान की पोटली सुनसेंग को दे देती है। सीन शिफ्ट होता है, सुनसेंग गुफा के ऊपर बैठा होता है। तब नीचे से मंकी किंग उसे बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने चांद नहीं देखा, सालों से ये कमल का फूल मुझे चांद के दर्शन नहीं कराता है। सुनसेंग वो कमल का फूल तोड़ता है, तभी अचानक से उस कमल के फूल में आग लग जाती है। दरअसल मंकी किंग ने वो कमल का फूल तोड़ने के लिए सुनसेंग को उकसाया होता है, क्योंकि वो कमल के फूल से ही मंकी किंग आज़ाद होता। मंकी किंग सुनसेंग को बोलता है कि उस कमल के फूल ने ही मुझे कैद करके रखा था। सुनसेंग उसे बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धा अभी भी यहीं है। मंकी किंग सुनसेंग को बोलता है कि अपने हाथ खोलो। सुनसेंग अपने हाथ नहीं खोलता है। मंकी किंग गुस्से में उसके बाल तोड़ देता है। वहाँ वो तीनों कैरेक्टर शैतान को मारने वाले एक एक करके मंकी किंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग सबको मार देता है। वहाँ दुआन भी मंकी किंग को मारने आ जाती है, लेकिन मंकी किंग दुआन को मार देता है। सुनसेंग दुआन को गले लगाकर बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनसेंग बुद्धा से मदद मांगता है। मंकी किंग सुनसेंग पर हमला करता है, लेकिन सुनसेंग को कुछ नहीं होता है, उसे बुद्धा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आसमान से बुद्धा का हाथ मंकी किंग पर आता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। सुनसेंग बुद्धा के रूप में आकर मंकी किंग को गोल्डन रिंग पहनाता है। सुनसेंग अपने मास्टर को बताता है कि प्यार का असली मतलब जो औरत और आदमी के बीच में होता है, दरअसल वही सच्चा प्यार होता है। वो बताता है कि मुझे सिर्फ दुनिया को बदलना है, उसके लिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है, तो उसके लिए मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। उसके मास्टर उसे पवित्र दुपट्टा और बुद्धा की धार्मिक किताबें देता है और वो लोग इंडिया के लिए सफ़र शुरू करते हैं।
और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।